Good morning, dear children. How are you all? Hope you all are fine at home. As I have told you, today we will discuss our chapter 2, atomic structure, right? So first we will take a quick recap on what is atom. Have you all know what is atom? Okay, take a quick recap. That is, the atoms are the smallest particle of an element. सबसे छोटा जो एलिमेंट का पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं. एटम से ही मिल करके मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. आप सभी ने सैंड का, बालू का ढेर देखा है, तो बालू का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उस छोटे पार्टिकल का भी जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम एटम कहते हैं. शुरू में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी तो ये कहा गया था एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम इनडिविजिबल है, वो इतना छोटा है कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते. बट फर्दर स्टडी से कि इट कैन बी डिविजिबल. एज टुडे यू ऑल नो इन योर प्रीवियस क्लासेस, एज ऑफ क्लास 9 एंड 10, यू ऑल नो एटम कैन बी सब डिवाइडेड. इट कैन बी सब डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So the topic atomic structure will show you how the discoveries of electron, proton and neutron done. कैसे electron, proton और neutron की discovery हुई है और किसने की है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे electron की. electron की discovery, जिसे हम पहले electron नहीं कहते थे, पहले हमने उसका नाम रखा था कैथोड rays. क्यों रखा था कैथोड रेज? चलिए बात करते हैं. यू हैव सीन अ डायग्राम है, जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए एक ग्लास ट्यूब ली गई थी. आप एक ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, हार्ड ग्लास की. इस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया, दोनों साइड ग्लास की प्लेट लगाई गई. आपको दिख रही है दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, दोनों ही प्लेट्स इलेक्ट्रोड का वर्क. इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एनोड और कैथोड. कैथोड एक साइड हमने लिया है, एक साइड हमने एनोड लिया है. रिमेंबर द पॉइंट, एनोड पॉजिटिव होते हैं एंड कैथोड निगेटिव होते हैं. चिल्ड्रन हमेशा इसी चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं. करना क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा है. वैक्यूम पंप से हम इसकी सारी एयर निकाल देंगे. आप जानते हैं जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर एयर, हम इसकी सारी एयर निकाल देंगे. सो दैट इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए यहाँ पर लिखा भी है गैस एट लो प्रेशर. जब गैस इसमें कम हो जाएगी तब क्या हुआ, ये पूरा सेटअप तैयार किया था जूलियस प्लकर ने. इन्होंने क्या किया, सारी एयर निकालने के बाद, लो प्रेशर करने के बाद इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया. हाई वोल्टेज कितना, मोर देन 10,000 वोल्ट इसको प्रोवाइड किया गया. प्रोवाइड जब इसको, इस पर हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया गया तो ये चीज़ देखी गई कि ये जो सरफेस है एनोड साइड की, ये ग्रीन कलर की शाइन कर रही है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई ये ग्रीन हो गई. तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि किसी तरह की रेज है जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं नेकेड आई से. ये आपको रेज बना के दिखा दी गई है पर उस समय ये रेज दिख नहीं रही थी. ये रेज है किसी तरह की जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है. किधर से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है, यानी निगेटिव से निकल रही है और प्लस की तरफ जा रही है. तो ऑब्वियस सी बात है प्लस की तरफ हमेशा निगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रही थी और कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज. बाद में इनको नाम दिया गया था क्या, इलेक्ट्रॉन. चलिए अब सारा सेटअप जब तैयार हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट में और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. तो इस सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं कैथोड रेज की. बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. कैथोड रेज हमेशा सीधी चलती है. सीधी ना चलती होती तो वो कहीं और भी पड़ रही होती, लेकिन वो इधर से चली और सीधे उन्होंने स्क्रीन को ग्लो किया. सेकेंड पॉइंट है दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो.
दैट स्ट्राइक द ग्लास बॉल एट एनोड. जब एनोड पे पड़ी तो ये ग्रीन कलर की थी. थर्ड पॉइंट है दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड विद द मैटर या मैटर. मैटर सबको मालूम है कोई भी पदार्थ होता है. क्या किया गया, बीच में उन्होंने एक मैटर रख दिया, किसी भी चीज का एक मैटर उन्होंने सेंटर पे रख दिया. सेंटर पे रखने में क्या हुआ, जब अगेन उन्होंने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया और बाद में इस मैटर को देखा गया तो ये गर्म हो चुका था. मतलब ये जो रेज हैं ये इतनी जोर से टकराई कि इन्होंने इसके सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की. तो थर्ड पॉइंट हो गया दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड. कोलाइड का मतलब होता है टकराना, कोलाइड विद द मैटर. नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्या किया गया, अब क्या किया इन्होंने, दो फिलिप्स लगा दिए दोनों तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने अप्लाई कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव एंड एक तरफ नेगेटिव. क्या हुआ, जैसे ही रेज ने चलना शुरू किया, जैसे आप गए घर से सब्जी लेने, मम्मी ने कहा चौराहे पर से आलू लेके आना, आपने क्या किया, आपको चौराहा जाने से पहले ही सब्जी वाला मिल गया, आप उससे खरीदेंगे और चले आएंगे, राइट. कुछ वैसे ही हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव एंड था, यहाँ भी पॉजिटिव एंड था. जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो रेस थी इन्होंने इस स्क्रीन को ग्लो करना शुरू कर दिया. वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये स्क्रीन को मिल गया ना, पहले पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव मिल गया, यहीं पर इसने ग्लो करना शुरू कर दिया. मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब अपनी अपना रास्ता चेंज कर देना. इन्होंने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया. कब करेंगे, जब इनको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. नेक्स्ट है पजिटिव काइनेटिक एनर्जी. थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, ये जो यहाँ पर मैटर लगाया गया था इसमें अब एक पिन व्हील लगा दी. पिन व्हील समझते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि विंड मिल से फैन चला करता है, कुछ वैसे ही विंड मिल समझते हैं ना, कुछ वैसे ही यहाँ पर फैन लगा दिया गया. अब जैसे एनर्जी प्रोवाइड करी गई, देखा गया कि वो पिन व्हील घूमने लगी. जब पिन व्हील घूमी तो इसका मतलब ये रेल आके उससे टकराई और उसको मोशन प्रोवाइड किया. तो जैसे मोशन दिया इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है स्पीड, इतनी स्पीड में चलती है कि उसको घुमा देती है. आप इमेजिन करिए एक साथ बहुत सारी भीड़ चल रही है तो सामने वाले नहीं गिरेगा, पर अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी तो 100% होगा. ये कुछ वैसे ही है कि आप नॉर्मल चलते हुए किसी से टकरा जाते हैं तो आप सिंपली कहते हो सॉरी बात खत्म, लेकिन जब आप स्पीड में आ रहे हैं अपनी बाइक से अपनी कार से आ रहे हैं और तब आप टकराएंगे तो सॉरी की नौबत नहीं आएगी, हो सकता है आके डॉक्टर कह सॉरी. खैर इसको सीरियस मत लीजिएगा. प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी होती है दे प्रोड्यूस एक्स रेज, जैसे आप सब एक्सरे कराने चाहते हैं. फिलहाल आज इतना ही है इस वीडियो में, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा. फॉर एनी क्वेरी फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.